कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, हम सब हैं भारत माँ के संतान। कर आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज। आजाद बिहार न्यूज से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के परोहा पंचायत में, और अभी हमारे साथ रूबरू है नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे जो पंचायत से रिलेटेड होगा। सबसे पहले आजाद बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय रखिए। ग्राम पंचायत राज परोहा के निर्वाचित क्षेत्र संख्या 27 से मैं गोपाल कुमार झा, पंचायत समिति सदस्य। आप राजनीति में कब से इन्वॉल्व है? राजनीति में राजनीति मत कहिए, मतलब समाज का सेवा कहिए। हम समाज के सेवा में लगभग 5 साल से इन्वॉल्व है, और इस बार हमने प्रथम चुनाव यानी फर्स्ट बार चुनाव लड़ा और पंचायत समिति के सीट से जीत गया। फर्स्ट बार चुनाव जीत कर क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं और जनता को खुश रखने का प्रयास करते हैं। कितने मतों से आपका विजय हुआ? मात्र 18 मतों से। पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों को कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, हमारा प्रयास रहेगा कि हमेशा उनके साथ रहें और कदम से कदम मिला के चले, उनके सुख दुख में उनका साथ दें। इस पद को चुनने का आपका उद्देश्य? मेरा पंचायत समिति पद से चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य था कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छा हो, किसान जागरूक हो, नौजवान को जो नौजवान हैं उनको एकत्रित करके उनको क्या कहें आगे की तरफ मतलब बढ़ावा देना। इस वक्त आपके पंचायत में कोई मुख्य समस्या है? अभी मुख्य समस्या जो 6-7 महीने हमने मतलब काटा है पंचायत समिति के पद पे, ऐसा मुख्य समस्या तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, और जो भी छोटी मोटी समस्या है हमारा प्रयास होता है कि हम अपने स्तर से उस समस्या का समाधान कर दें। अब तक आपके द्वारा विकास का कार्य कौन कौन से कार्य आपने प्रारंभ किया है? देखिए अभी तक तो हमने अपने फंड से एक भी कार्य प्रारंभ नहीं किया है, और माननीय मतलब मुखिया जी, वार्ड सदस्य, इन लोगों के सहयोग से हमने बहुत अच्छे काम कर दिए हैं जो पंचायत के जनता को हमेशा सुख होगा। कौन सी का निर्माण करवाए हैं? मनरेगा से मिट्टीकरण हुआ है, उसके बाद कचरा सेट तैयार करवा दिया गया है, कुछ रोड का निर्माण करवा दिया गया है। पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को संदेश यही देना चाहेंगे कि चाहे जो भी चुनाव हो, आप योग्य प्रतिनिधि चुने जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे। बकरीद का मुबारकबाद कैसे व्यक्त करना चाहेंगे संपूर्ण जिला वासियों से पंचायत वासियों को? देखिए बकरीद जो मुसलमान भाइयों का पर्व है, उसमें हमारे समझ से एक ही उनका नारा होना चाहिए कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, हम सब हैं भारत माँ के संतान। इसलिए हर पर्व में एक दूसरे का सहयोग करें और कोई टीका टिप्पणी ना करे, ताकि हम भाई भाई हैं और हर भाई दूसरे भाई का सहयोग करके पर्व मनाएं। चलिए धन्यवाद।